एंड वेलकम टू देसी पटाका। एज ऑलवेज मैं हूं आराधना आपके साथ। दोस्तों, बिग बॉस का बुधवार का एपिसोड काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहा, जहां पर वही हुआ जो हमने आपको ऑलरेडी बताया था। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि इस बार सिद्धार्थ बनेंगे घर के कैप्टन, और वही हुआ भी। पूर्ण बहुमत, यानी कि पूरे के पूरे बहुमत के साथ हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को ही वोट दिया और सिद्धार्थ घर के कैप्टन बन गए। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है शो में? दोस्तों, आगे हमें शो में देखने को मिलेगा कि असिम और हिमांशी खुराना की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। असिम इज वेरी रोमांटिक, ही इज रियली टेकिंग केयर, वेरी गुड केयर इन फैक्ट ऑफ हिमांशी खुराना। हिमांशी के लिए उनके बर्थडे पर उनको स्पेशल फील कराने के लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो केक बना रहे हैं, एक बार नहीं कभी पराठे का बना रहे हैं, कभी चावल का बना रहे हैं, जस्ट टू इंप्रेस हर, जस्ट टू मेक हर फील स्पेशल। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब ट्विस्ट भी है, क्योंकि अब सिद्धार्थ का दिल असिम के लिए साफ नहीं है। देखिए, सिद्धार्थ अब पूरी तरह से पारस की टीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सिद्धार्थ जब कैप्टन बने तो सिद्धार्थ को सिर्फ पारस की टीम ने ही नहीं, बल्कि शेफाली और असिम की टीम ने भी पूरा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट रश्मि ने भी सिद्धार्थ को वोट दिया, जिन सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गए। आरती ने बुधवार के एपिसोड में ये बिल्कुल सही कहा कि कितनी स्ट्रेंज बात है ना, जब सिद्धार्थ कैप्टन बना तो जो सबसे पहले उसके रूम में लोग घुसे वो पारस एंड माहिरा थे। मतलब ऑब्वियसली वो लोग शुरू से सिद्धार्थ के साथ रहे, आरती, शेफाली, असिम, उनको सच में ये बुरा तो लगा होगा यार, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, मतलब इमोशंस होते हैं। लेकिन रिलेशनशिप बिग बॉस के अंदर बदलते जाते हैं, और वही हमें देखने को मिल भी रहा है। सिद्धार्थ घर के कैप्टन बन चुके हैं, और अब घर वालों को नया टास्क भी दिया है बिग बॉस ने, लग्जरी बजट कार, जिसके तहत दो टीम में डिवाइड कर दिया गया है, सिद्धार्थ की टीम और असिम की टीम। सिद्धार्थ की टीम में माहिरा, पारस, ये सब हैं, और असिम की टीम में शेफाली, हिमांशी खुराना, हिंदुस्तानी भाव, ये सब लोग हैं। और इन लोगों के बीच में कल होगी अच्छी खासी खींचातानी, जहां पर देखने को मिलेगा कि सिद्धार्थ भी टूट पड़ेंगे टास्क में आगे जीतने के लिए, और पारस से कहते हुए नजर आएंगे कि हमें हर हाल में इस टास्क को जीतना है। और वहीं दोस्तों, विशाल ने बहुत ही बुरी तरह, प्रीकैप में भी आपने देखा होगा, रश्मि के हाथ में कुछ था, उसको खींचने के लिए उसने आरती को जमीन पर लिटा दिया। मतलब दैट इज रियली सैड। आप भूल जाते हैं, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए मैन और वुमेन के बीच में, अगर आप वो भूल रहे हैं सो देयर यू आर रॉन्ग। एनी हाउ, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पारस और शेफाली की लड़ाई होगी, जहां पर पारस शेफाली को यह कहता हुआ नजर आएगा कि तुम वुमेन कार्ड प्ले कर रही हो, और शेफाली कहेगी मर्दों के बीच में रहकर मर्दों की तरह खेलना जानती हूं और वैसे ही खेल रही हूं, वुमेन कार्ड ना ही मैंने कभी प्ले किया है और ना ही कभी मैं प्ले करूंगी। शेफाली बहुत अच्छा खेलती आ रही है, बहुत बैलेंस लगती है शेफाली मुझे, क्योंकि जब बुधवार के एपिसोड में सिद्धार्थ के नाम लेने की बात आई तो शेफाली ने भी सिद्धार्थ का नाम लिया, हिमांशी ने भी सिद्धार्थ का नाम लिया, और शेफाली ने यह कहा भी कि पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी और मैं उस गलती का एक तरह से देखा जाए तो प्रायश्चित करना चाह रही हूं, इसलिए मैं सिद्धार्थ को नॉमिनेट कर रही हूं, सिद्धार्थ का ही नाम ले रही हूं। लेकिन जब कल शेफाली ये बोलती हुई नजर आएंगी असिम से कि असिम ये बोल रहा है मैं वुमेन कार्ड प्ले कर रही हूं, व्हाई डोंट यू स्पीक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उसको, तो असिम का जो बिहेवियर है That is actually strange. मतलब असिम कहेगा कि मैं क्यों बोलूं, इट्स योर मैटर, तुम सॉर्ट आउट करो, तुम्हारा तो पता नहीं तुम कब पलटी मार जाओ। शेफाली ने कभी भी पलटी नहीं मारी, इसलिए हम शेफाली की ये चीज नहीं बोल सकते कि वो पलटी मास्टर है। वेल, दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस के घर के डायनामिक्स बदल रहे हैं? क्या बिग बॉस को देखने में जितना मजा पहले आता था जब सिद्धार्थ और असिम एक साथ थे और सारा घर उनके अगेंस्ट था, जब मजा, वो जो मजा था, क्या अब वो मजा आता है? क्या आप उतना ही एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस को? वैसे हम आपको बता दें, एक नया जो है हैशटैग वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, दैट इज बायकॉट बायस्ड बिग बॉस। कुछ लोग बिग बॉस को बायस्ड कह रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ को बिग बॉस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से बिग बॉस को बायस्ड कहा जा रहा है। वेल, क्या आपका भी यही मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक अपडेट जानने के लिए देसी पटाखा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइस।